Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today our subject is Hindi. बच्चों आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी आपकी जो हिंदी टेक्स्ट बुक है वो ले लो, फिर हम क्लास का होमवर्क बुक में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी, ओके? तो बच्चों ले ली सभी ने हिंदी की टेक्स्ट बुक, वेरी गुड। अब आप सभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 40 ओपन करो, ओके? यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? नया लेटर है। यस, नया लेटर कौन सा है? न्य, इसे बोलते हैं न्य। अब यहाँ पर देखो, खाली की सुन लो बात, खाली रहती दिनों रात, ओके? बच्चों यहाँ पर हम न्य करने वाले हैं, तो न्य हम कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ पर ये कितनी लाइन्स है? 5 लाइन्स है ना? हिंदी की टेक्स्ट बुक और हमारी क्लास वर्क बुक में 5 लाइन वाली बुक है, ओके? तो अब यहाँ पर हम हिंदी कैसे लिखेंगे आप देखो। देखो यहाँ पर पहले हम जो लाइन है वो ट्रेस करेंगे, ओके? तो देखो पहले यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में यहाँ पर पहले हम करेंगे, देखो इस तरह से हाफ सर्कल, ओके? फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा कर्व करेंगे, ओके? फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन करेंगे और यहाँ पर स्लिपिंग लाइन करेंगे, ओके? तो ये क्या बन गया? न्य, ओके? तो ऐसे ही पहले हम लाइन है वो ट्रेस करेंगे, पहले हाफ सर्कल करेंगे, यहाँ पर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ओके? बन गया न्य। आपको हाफ सर्कल कौन कौन सी लाइन के बीच में करना है, ओके? थर्ड लाइन है उसके बीच में, 4 लाइन से थोड़ा ऊपर हाफ सर्कल, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, न्य, ओके? इसी तरह से बच्चों आपको पहले ये लाइन है वो ट्रेस करनी है, और आप क्या ट्रेस कर रहे हो? न्य। यस, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको अब आगे ये लाइन में न्य लिखना है। तो चलो अब हम किस तरह से लिखेंगे, पहले ये जो थर्ड लाइन है उसके बीच में हम इस तरह से हाफ सर्कल करेंगे, ओके? फिर यहाँ पर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये क्या बन गया? न्य। अब इसी तरह से हम लाइन में आगे लिखेंगे, ओके? देखो ये हम क्या लिख रहे हैं? न्य। पहले हम थर्ड लाइन के बीच में हाफ सर्कल करेंगे, फिर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये बन गया न्य। ऐसे ही आपको अच्छे हैंडराइटिंग में यहाँ पर लिखते जाना है। आप क्या लिख रहे हो? न्य। यस, और आपको साथ में बोलते भी जाना है, ओके? तो बच्चों ये हमने एक लाइन लिख दी, अब यहाँ पर हम दूसरी लाइन लिखेंगे। हम क्या लिख रहे हैं? न्य। यस, बच्चों आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, लाइन है वो फॉलो करनी है, ओके? और मैंने जैसे आपको फॉर्मेशन सिखाई इसी तरह से आपको लिखना है, ओके? देखो ये तो अब आप सभी को न्य लिखना आ गया है ना, वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या लिखा? न्य। तो अब आपको क्या करना है,
इसी तरह से आगे ये पेज कंप्लीट करना है और यहाँ पर ये पेज भी कंप्लीट करना है, ओके। और यहाँ पर आपको जो लेटर है वो पहले ट्रेस करना है और बाद में उसमें कलरिंग करना है, वो आपको होमवर्क में करना है, ओके। तो बच्चों अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और फिर हम क्या लेंगे, आपकी हिंदी की जो बुक है क्लासवर्क बुक वो लेंगे, ओके। और फिर हम उसमें एक पेज लेंगे, फिर यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे, ओके। यहाँ पर आपको हेडिंग लिखना है व्यंजन न्य, ओके। यहाँ पर दो लाइन ड्रेस ड्रॉ करनी है और यहाँ पर ऐसे न्य लिखना है। तो बच्चों हमने जैसे टेक्स्ट बुक में किया था इसी तरह से हम क्लास वर्क बुक में करेंगे। देखो अब आप सभी को न्य करना तो आ गया है, यस वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो न्य हमने कैसे लिखा था, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में, थर्ड लाइन है उसके बीच में ही लिखेंगे। देखो इस तरह से पहले हम हाफ कव करेंगे, फिर यहां से ऐसे कव, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ओके। पहले हम हाफ सर्कल करेंगे, कव करेंगे, स्टैंडिंग लाइन करेंगे, स्लिपिंग लाइन करेंगे, ओके। यस तो ये हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बच्चों, न्य, यस वेरी गुड, ओके। तो अब आप सभी को यहाँ पर ये पेज में न्य जो है मैंने जैसे आपको सिखाया वैसे लिखना है, साथ में बोलना भी है, ओके। अब तो आप सभी को न्य लिखना आ गया है, यस वेरी गुड। तो अब आप सभी को यहाँ पर न्य होमवर्क में लिखना है, ओके। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। तो बच्चों आप सभी को मजा आया, यस वेरी गुड। तो मैंने जैसे आपको सिखाया अब आगे ऐसे ही आपको आपकी बुक में लिखना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, आप सभी पहले ध्यान से देखना, ओके, फिर घर पर वो एक्टिविटी करना, ओके। तो बच्चों आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, ओके। हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम है जंप फ्रॉम लो बोर्ड, ओके। तो हमें क्या करना है, आप देखो इस तरह से नीचे के लेवल से हम जंप करने वाले हैं, ओके। तो आपको इस तरह से एक नीचे का लेवल हो उसके ऊपर आपको इस तरह से खड़े रहना है, ओके। फिर आपके जो दोनों हाथ है वो आपको कमर पर रखने हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, जंप, यस। तो आपको आगे आना है और जंप करना है, देखो, यस। तो हमने क्या किया बच्चों, जंप फ्रॉम लो बोर्ड, देखो नीचे के लेवल का ये जो है उसके ऊपर से हमने जंप किया, ओके। तो बच्चों मैंने जैसे सिखाया वैसे आपको करना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़े स्टेप्स है, ओके। तो यहाँ पर स्टेप्स पर आपको आके खड़े रहना है, यहाँ पर भी हम जंप फ्रॉम लो बोर्ड एक्टिविटी करने वाले हैं, ओके। नीचे के लेवल से हम जंप करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोनों हाथ कमर पर रखने हैं, ओके। अब आपको जंप करना है तो किस तरह से, देखो यहाँ पर आगे इस तरह से खड़े रहना है, अब जंप, यस किया ना, दोनों पैरों को साथ में रखकर जंप, यस वेरी गुड। अगेन जंप, यस अब अगेन जंप। तो देखो ये हमने क्या किया, जंप फ्रॉम लो बोर्ड्स। तो बच्चों हमने ये एक्टिविटी की ना, यस yes. तो देखो यहाँ पर हमने स्टेप्स में से जंप किया, यस वेरी गुड। तो आप सभी को मैंने जैसे सिखाए इस तरह से घर पर एक्टिविटी करनी है, ये आउटडोर एक्टिविटी है, ओके। तो अब आप सभी घर पर एक्टिविटी करोगे, यस। तो अब हम फिर मिलेंगे, बाय।